अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुल्फा जहान। आज मैं करी पत्ते की चटनी का रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही आसानी से बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। उसके लिए गरम कढ़ाई में सबसे पहले तेल दे देंगे। तेल देने के बाद एक मुट्ठी भर के मूंगफली ऐड करेंगे। ऐड करके उसके बाद इसको बहुत अच्छे से थोड़ी देर भून लेंगे। भूनने के बाद एक चम्मच जीरा दे देंगे। फिर थोड़ी देर चला लेंगे। उसके बाद 2.5 टीस्पून वाइट सेसमे यानी कि सफ़ेद तिल ऐड करके और थोड़ी देर इसको भून लेंगे। मतलब सामान ऐड करेंगे और उसके बाद थोड़ी देर करके चलाते जाएंगे। उसके बाद 10 से 15 लहसुन की कलियां ऐड कर रही हूँ। साथ में 7-8 ये कच्चे वाले लाल मिर्च है, आप चाहे तो सूखा मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये 1/2 बोल सूखा नारियल पीसेस कट करके इस तरह से ऐड कर दिया। करने के बाद 2-3 मिनट इसे अच्छे से चला लिया। चलाने के बाद मैं इसमें करी पत्ता ऐड कर रही हूँ और 2 मुट्ठी भर के मैं करी पत्ता ऐड कर दिया। और ये मेरा प्रिजर्व किया हुआ करी पत्ता है। साथ में नमक स्वाद अनुसार, मतलब ये ऊपर नीचे हो जाए, बाद में टेस्ट करके भी इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा कम ही डालें। इसको अच्छे से भून लेंगे और करी पत्ता जब एकदम क्रांची टाइप हो जाए तब इसको बंद कर देंगे। उसके बाद रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। या तो आप चाहे तो इसको ओखली में भी कर सकते हैं या तो पत्थर में भी इसको पीस सकते हैं, तो उसके लिए इतना ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप थोड़ा सा गर्म रहे तब भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर के लिए थोड़ा ठंडा होना ज़रूरी है, रूम टेम्परेचर में एटलीस्ट आना ज़रूरी है। तो इस तरह से दरदरा सा पीसा जाएगा और ये सूखा चटनी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। लास्टली हम इसमें 1 या 2 चम्मच नींबू का रस दे के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये खट्टा नमकीन और तीखा कॉम्बिनेशन जो खाने का टेस्ट और बढ़ा देता है। तो ये चावल के साथ भी लिया जाता है और रोटी पराठा के साथ भी ले सकते हैं, इडली डोसा के साथ ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, यम्मी बनते हैं। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें। इतना आसान रेसिपी है, बनाने भी एकदम 10-12 मिनट ही लगते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें और खुश रहे और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें।